शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखने वाले डीएवी स्कूल नेरचौक ने अपने सालाना समारोह को बड़े ही धूमधाम के साथ रविवार को मनाया। इस समारोह की अध्यक्षता विधायक इंद्र सिंह गांधी ने की। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर स्थानीय पाठशाला की प्रधानाचार्य पूनम गुप्ता ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि डीएवी संस्थान के बच्चे पूरे देश में सबसे आगे निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेरचौक डीएवी स्कूल के 13 बच्चे मेरिट में आए हैं। आज के जो हमारा एनुअल फंक्शन है, हम बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग एक्टिविटीज के लिए ऑनर भी कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य डीएवी मैनेजमेंट का ये उद्देश्य है कि बच्चे हर फील्ड में आगे जाएं, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज है या स्पोर्ट्स। उसी उद्देश्य से आज हमने आयोजन जो इस एनुअल फंक्शन का किया है अरवास 2018, इसमें हमने दिखाया है कि बच्चे हर फील्ड में, चाहे वो सोशल आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, हेल्पेज इंडिया के लिए हैं या स्काउट एंड गाइड के हैं, बच्चे हर फील्ड में हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। एकेडमिक्स में तो हमारे बच्चे मेरिट में हमेशा रहते हैं। इस साल भी 13 बच्चे हमारे मेरिट में आए हैं। अभियान का ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हमारे में, सोसाइटी में जो रहती है प्रॉब्लम्स, उनके लिए हमने ऐसी एक्टिविटीज हमारे टीचर्स ने बच्चों को करवाई हैं जिससे उनके अंदर खुद भी नैतिक मूल्य डाले जाएंगे और उसके अलावा जो भी हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उनको भी हमने दर्शाया है ताकि बच्चे उनमें आगे बढ़ चढ़कर भाग लें और सोसाइटी को एक जो हम बच्चों में चरित्र देखना चाहते हैं वो आगे आने वाले भावी पीढ़ी में वो देखा जा सके। स्थित नेचौक में ये ही पब्लिक स्कूल का प्रश्न आ गया। उसमें पहले तो सर्वप्रथम यहाँ के प्रिंसिपल महोदय को, उनके अध्यापकों को बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा कल्चर प्रोग्राम जो उन्होंने मानचर की कल्चरल एक्टिविटी और हिंदुस्तान का जो दृश्य उसको दिखाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। इस तरह के दृश्य जो हमारे मानचल में, हमारे मंडी में, हमारे बल में, जो हमारा संस्कृति है उसको अपनाए रखना बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आप सबको इस उपलक्ष्य पर बधाई देता हूँ और आप सबका शासन का धन्यवाद करता हूँ।